हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी किचन इंडो वेस्ट किचन में। आज हम इंडो वेस्ट किचन में बनाने जा रहे हैं गर्मियों के लिए खास ड्रिंक्स। गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं तो उसके लिए हमें कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल पीने का मन करता है, तो इसके लिए आज मैं आपको गुड़ का शरबत बनाना बताऊंगी। इसका टेस्ट गन्ने के रस जैसा होगा, तो चलिए हम बनाते हैं गुड़ का शरबत। तो उसके लिए हमने सामान लिया है पुदीना और गुड़। ये मैंने एक गुड़ की डली ली है, ये करीब 50 ग्राम के आसपास है। इसको हम तोड़ लेंगे। ये मैंने तोड़ लिया है और इसको अब हम एक मिक्सी में डाल देंगे। इसी में हम पुदीना डाल देंगे। बस काफ़ी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको एक महीन पेस्ट बना लेंगे। ये कुछ ऐसा हो गया है। अब हम इसको एक कटोरे में डाल लेंगे। देखिए अभी से ही लग रहा है ना, बिल्कुल गन्ने के रस जैसा। अब हम इसमें आधा चम्मच काला नमक डालेंगे। और आधा टीस्पून भुना हुआ जीरा, मैंने इसको पीस लिया है, इसको डाल देंगे। और इसमें अब पानी डालेंगे। ये मैं 2 गिलास के लिए बता रही हूं। एक नींबू का रस, ये मैंने निकाल लिया है, इसको डाल देंगे। अब हम इसको एक बार छान लेंगे। ये पानी मैंने चिल्ड लिया है। अब हम इसमें कुछ आइस क्यूब्स डाल देंगे। गन्ने का रस हमारा तैयार है, या फिर गुड़ का शरबत बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, ये बिल्कुल गन्ने के रस जैसा दिख रहा है और इसका टेस्ट भी गन्ने के रस जैसा ही होगा। और गर्मियों में ये बहुत फायदेमंद भी है और इससे लू भी नहीं लगेगी। ये मैंने कुछ पुदीना रख दिया है और इसके ऊपर नींबू। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप गर्मियों में इसे जरूर ट्राई करें।